हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का महीना बहुत अजमतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला, शफ़क़तों वाला महीना है। इस महीने के अंदर सारे कायनात अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के दिलदार आमिना के राज दुलारे, हजरत हलीमा की आंखों के तारे और उम्मत के गमखार तशरीफ लेकर आए। ऐसे नहीं मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब उस वक्त तशरीफ लेकर आए जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए जब माँ के गले में रस्सी डालकर अरे घसीटा जाता, जब बाप को डंडों से मारा जाता, उस वक्त अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए। और कैसे तशरीफ लाए? अल्लाह ने कुरान में फरमाया आता तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आज लोग कहते हैं झंडे क्यों लगाते हो, घर को क्यों सजाते हो, मिलाद क्यों मनाते हो। मैंने कहा मुल्क का जश्न मनाना तो जायज, और जिसके सदके ये मुल्क मिला, जिसके सदके ये बेटियों को इज्जत मिली, जिसके सदके अल्लाह ताला ने वो जन्नत उठा के माँ के कदमों में रख दी। जब उस नबी का मिलाद आया तो तुम कहते हो मिलाद कहाँ लिखा है मनाना। मैंने कहा उठाओ ना कुरान, जरा पढ़ो तो सही। अल्लाह ने फरमाया महबूब मुझे तेरे बाप की भी कसम और जिस दिन तू तशरीफ लेकर आया उस दिन की भी कसम। अल्लाह ने तो उस दिन की भी कसम उठा दी जिस दिन नबियों के सरदार तशरीफ लाए। और आगे चलिए ना, जरा और आगे तवज्जो फरमाइए। हजरत भाई आमिना रजी अल्लाह ताला ना फरमाती है जब सरकार आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, खराजा मिन नूर, मुझसे एक नूर निकला जिससे मैंने शाम के महल्लात भी देख लिए। अरब की जमीन पर बैठकर शाम के महल्लात देख लिए। आप हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला ना फरमाती है मैंने देखा हजरत जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम के हाथ में अरे तीन झंडे हैं। कितने झंडे हैं? तीन झंडे हैं। एक हजरत जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की मुकद्दस दीवार पर लगा दिया, एक हरम पाक पर लगा दिया, एक हजरत माई आमिना के हुजरे पर लगा दिया। तुम इतराज करते हो झंडे लगाना कहाँ पर जायज है? मैंने कहा यार की आमद पे तो अल्लाह ताला ने रहमतों की बारिश नाजिल फरमाई, यार की आमद पर तो अल्लाह ने जिब्राइल से झंडे लगवाए, यार की आमद पर तो अल्लाह ने जिब्राइल से झंडा लगवाए। और जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए वो लोग कहते हैं हमारा ईद का दिन है, अल्लाह ने उस दिन सलाम भेजा। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई उस दिन भी सलाम भेजा। और जिस दिन अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए अल्लाह ने खुद अर्श से जिब्राइल से झंडे लगवाए। झुकदा पिया अरश भी फरश वल्ले रखा कौन गरीबा भी लज आया, पावे शाह के भावे कदा है सी कासा लेके मुहे ते भज भज आया। ऐसा करम करीम कमाल कीता किया जो खाली रज रज आया, दासी सदिया बाद में इंज लग दे जिवे सोना जमाने ते आ जावे। और पत्थर कौन तेरी मुझे लाई हुई है मैली चादर जमीन दी घोल आए, किरना चन ने आप बिछा दिया तारा तारा खिलार जलाओ रे आए, सब कुछ देख के लग दे इंसान इस्तकबाल हुजूर घरों को सजाओ वो इसलिए कि यार की आमद पर अल्लाह ने जिब्राइल से झंडे लगवाए, अल्लाह ने खुद अर्श पर मीलाद मनाया। और हम मीलाद मनाते हैं तो अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं, झंडे लगवाते हैं तो जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से मनाने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको हुजूर के जश्न मिलाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्ला बलागुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा साथ ही खेलना है।